Welcome back to Mahi's Home Style Cooking with My Value 365. It's week 3, episode 19, जिसके साथ हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से मेन्यू की रेसिपीज लेकर आए। तो सुबह की शुरुआत करेंगे हम सांभर वड़ी के साथ में। लंच में होगा हमारा मावाड़ी स्टाइल गट्टे की सब्जी। स्नैक्स टाइम में होगा हमारा बहुत ही यमी एंड डिलीशियस सा ब्रेड उपमा। डिनर में होगा हमारा मुगलई वाला पराठा। एंड इन द एंड ऑफ द डे डेजर्ट स्पेशल में होगा चॉकलेट चीजी सैंडविच, जो बहुत ही गजब सा लगता है। एंड इन द एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं हमारी रेसिपीज को। मेदू वड़ा बनाने के लिए हम यहाँ 2 कप उड़द दाल लेंगे। इसे हम पहले 2 से 3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। ये प्रॉपरली वॉश हो चुका है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे हल्के से गर्म पानी में, जिससे कि ये जल्दी से सोख हो जाएगा और आपको 4 से 5 घंटे के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। जब तक ये सोख हो रहा है ना, तब तक हम अपना सांभर बना के रेडी करके रख लेते हैं। सांभर बनाने के लिए ना मैंने यहाँ 1 कप तुअर दाल ली है, जिसे ना अरहर की दाल भी बोलते हैं। इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हम ना यहाँ कुकर लेंगे और इसमें ये दाल को डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। इसे ना हम फटाफट से 3 से 4 विसल आने तक कुक कर लेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है, तब तक हम ये मसाले रेडी करके रख लेते हैं। तो यहाँ हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 कप तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा मेथी दाना, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 finely chopped ग्रीन चिली, 10 से 12 करी ली, थोड़ी सी हींग। अब इन सबको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप स्लाइस्ड अनियन। इसे भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज हमारी बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 chopped टमाटो और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक सॉटे कर लेंगे। इसके सॉफ्ट होते ही इसमें जाएगा ढेर सारी सब्जियां। तो इसके लिए ना हम इसमें डालेंगे ये पम्पकिन, बैगन, गाजर, लौकी, आलू। मैंने इन सभी को ना से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप अपने पसंद की या कोई भी वेजीज को यूज कर सकते हैं। अब इन सबको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग ना इन सब्जियों को दाल के साथ ही बॉईल होने के लिए रख देते हैं, बट उसमें ना वो फ्लेवर नहीं आता है जो इस तरीके से सब्जी को मसाले के साथ स्टिर करने में आता है और वेजीज हमारी ओवर कुक भी हो जाती है। अगर आपको बॉईल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप सब्जियों को ऐसे ही स्टिर कर लें। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ना आप पहले थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि बॉईल करते टाइम हमने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया था। और अब ना इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 4 मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सांबर मसाला। इसे भी हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे इन सारी सब्जियों के साथ। अब इसमें जाएगा 4 से 5 चम्मच टैमरिंड पल्प, यानी कि इमली का पानी। इसके लिए ना मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के कुछ देर के लिए रख दिया था और उसे अच्छे से मैश करके इसे छान लिया था। इसे भी ना सारी सब्जियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इमली के पल्प को ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इसे ना 3 से 4 मिनट के लो मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जब तक हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट कुक ना हो जाए।
तब तक ना हम दाल को चेक कर लेते हैं। इसे ना फेंटने के लिए हैंड ब्लेंडर का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो रेस्टोरेंट जैसा जो एक बेहतरीन सा टेस्ट आता है ना वो नहीं आएगा। इसे ना आप इस तरीके की स्पून या वुडन व्हिस्क से आप चला सकते हैं, क्योंकि सांभर का मजा इसी टेक्सचर में है। इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी हमको चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गुड़। गुड़ से सांभर का फ्लेवर एकदम खट्टा मीठा जैसा आता है। गुड़ ना हो ना तो आप एक चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ना हम एक मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट बाद इसमें हम अपनी दाल को ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे और एक बढ़िया सा बॉईल आने देंगे। पानी ना आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसे ना हम बॉईल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे लगभग 4 मिनट के लिए। यहाँ ना आप नमक और पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। वाह, क्या तो गजब की खुशबू आ रही है और इसका कलर भी कितना बढ़िया सा दिख रहा है। एंड लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। और अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ एंड इसमें डालेंगे एक चम्मच लेमन जूस। तो लीजिए, रेडी है हमारा गर्मा गर्म सांभर। तो यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं। इसे हम अच्छे से छान के पूरा पानी निकाल देंगे, क्योंकि ज्यादा पानी रहने से हमारे वड़े ना अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है, इसे हम प्रॉपरली ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे एक फाइन टेक्सचर आने तक पीस लेंगे और इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, ये प्रॉपरली घिस चुका है। ये देख रहे हैं ना आप, इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी दिख रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, ये एकदम ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसमें प्याज और करी लीव भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर ये पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी आगे के प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। मेदू वड़ा बनाने के लिए वैसे तो आजकल सांचा आता है, बट अगर आपके पास ये ना हो तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हाथ से ही इसे बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके का हम एक करछी लेंगे। करछी की जगह आप चाहे तो कटोरी भी यूज कर सकते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और हाथों को अच्छे से गीला करके हम ये जो बैटर हाथ में लेंगे और इसे इसके पीछे रखकर एक अच्छा सा डोनट वाला शेप दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा एक शेप बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम तुरंत ही तेल में डाल देंगे। ध्यान रखें तेल अच्छे से गर्म हो चुका हो। एक साथ सारे वड़ों को न तलने डालें, आधे आधे बैच में ही इसे हम तलेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे भी बना लेंगे इसी प्रोसेस के साथ। इसे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे ना तलें, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। इसे ऊपर नीचे पलट के प्रॉपरली तल लेंगे। वाओ, ये देखिए ये कुक हो चुके हैं और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने क्रिस्पी लग रहे ना हमारे ये डिलीशियस से मेदू वड़े। ट्रस्ट मी गाइस, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो मेदू वड़े आपके फेवरेट्स में शामिल हो जाएंगे। तो लीजिए, बन के रेडी है हमारा गर्मा गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट सा सांभर वड़े। मारवाड़ी स्टाइल बेसन गट्टी बनाने के लिए सबसे पहले ना हम गट्टे का आटे को रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी जितना बेसन लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे कि टेस्ट अब बहुत ही गजब का आता है। साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक एंड लाल मिर्च पाउडर।
और इसमें अब जाएगा एक चम्मच के आसपास घी, जिससे कि गट्टा हमारा एकदम नरम बनते हैं। इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम ये पानी को भी ऐड करेंगे और एक बढ़िया सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत हल्का सा ही पानी इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ये बेसन है और बेसन ना बहुत जल्दी से एकदम पतला सा बैटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें हम डालेंगे। साथ ही इसमें जाएगा कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सॉफ्ट टेक्सचर में ये बनके रेडी हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे 3 से 4 टुकड़ों में इसको अलग कर लेंगे, जिससे आपको फैलाने में दिक्कत ना हो। फिर इसका हम एक टुकड़े को चकले पर रख कर ऐसे फैला लेंगे। इसको आपको जितना ठीक रखना है उसी हिसाब से रखें। मैं इस तरीके से थोड़ा सा पतला इसे कर लेती हूँ एकदम स्टिक फॉर्म में। ये सब बन के रेडी हो गए हैं। अब हम ना इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इन गट्टों को हम बॉइल वाटर में डाल देते हैं। अभी ये सब नीचे बैठ गए हैं, पर जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे ये ऊपर आने लगेंगे। इसे हम ना लगभग 12 से 13 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए लगभग 80% ये कुक हो चुका है। अब बाकी हम इसे अपनी ग्रेवी के साथ पका लेंगे। और अब इन गट्टों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस से हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे। इसके अच्छे से गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे की चटकते इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च। इसे आप 15 से 20 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। हींग के साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज चॉप किया हुआ, और इसे हम ना हल्का सा ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। और ना इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें। मसालों को अच्छे से पक जाने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार, और सबको हम अच्छे से चला देंगे। यहाँ ना हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं अब, बिकॉज अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे दही। गरम में दही ऐड करने से दही बहुत बार फट जाता है और इसके लम्स भी बनने लगते हैं। फटाफट से इसको हम कर देंगे मिक्स। कुछ सेकंड्स के लिए इसको हम पका लेंगे। तब तक गट्टों को ना हम कट कर लेते हैं। आपको छोटे बड़े जैसे भी इसको कट करना है आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ ना मैं इसको मीडियम साइज में गट्टों को कट कर लूंगी। ये देखिए सब अच्छे से कट हो चुका है। अब हम ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है और अब इसमें हम ये पानी डाल देंगे। अब जल्दी से हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। गट्टे ना पानी एब्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी भी और ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसमें गट्टे हम सारे डाल देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। आप पानी और ऐड कर सकते हैं जिससे ये ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हो। ये देखिए यहाँ हमारी ग्रेवी भी थिक हो गई है और गट्टे भी अच्छे से पक के तैयार हो गए। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया और लास्ट में थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला और इसे भी प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो
तो लीजिए बनके रेडी है बहुत ही स्वादिष्ट से मारवाड़ी स्टाइल बेसन गट्टे की सब्जी। इसे रोटी पराठा इसी के साथ भी आप सर्व करके दे सकते हैं। ब्रेड उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक टोस्टर या तवे में ब्रेड को हम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक टोस्ट करेंगे और अब ब्रेड स्लाइसेस को हम क्यूब में कट कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब ना हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। तेल के गरम होते ही इसमें हम डालेंगे राई और कुछ कड़ी पत्ते। राई की चटकते ही इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक, प्याज और हरी मिर्च। अब इन सबको हम जल्दी से सॉटे कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ टमाटर और इन सबको हम अच्छी तरह से नरम होने तक सॉटे कर लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, शुगर और नमक और इसको भी हम प्रॉपर मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा चॉप किया हुआ कैप्सिकम, इसे भी फटाफट से हम मिला लेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के आसपास नमक पानी और इसे फटाफट से हम चला लेंगे। अब जो ये ब्रेड के पीसेस हमने कट किए थे इसको अब हम इसमें डाल देंगे और जेंटली इसको कर लेंगे मिक्स। और ढक के ना लगभग 3 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। ये देखिए ये प्रॉपरली कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स और इसे भी हम सबके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट इसमें जाएगा 1 चम्मच लेमन जूस और इसे भी चला लेंगे। तो लीजिए बनके रेडी है डिलीशियस सा ब्रेड उपमा। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी में 2 कप मैदा लेंगे, साथ ही इसमें लेंगे 2 टेबलस्पून तेल और डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाकर 5 मिनट तक आटा को गूंथ लेंगे और इसका एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। अब इसमें ना हम 1 टेबलस्पून जितना तेल लगाकर 20 मिनट के ढककर अलग से रख देंगे। तब तक हम ना स्टफिंग बना के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज, 2 मिर्च, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सबको मिलाकर हम 2 मिनट के लिए भूंज लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें जाएगा 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, इसे भी ना हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक और इन सबको 1 मिनट के लिए हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप किसा हुआ पनीर, जिसे हम मिलाकर अच्छे से चला लेंगे। अब इस मिक्सचर को ना हम थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। 20 मिनट बाद हम मैदे को हल्का सा गूंथ लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने छोटी सी बॉल की आकार की लोई को तोड़ लिया है। अब फटाफट से
इन सारी लोइयों को मैदे में डस्ट कर लेंगे और इसे ना पतला बेल लेंगे। इसके बीच में पनीर की फिलिंग रखकर इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब एकदम जेंटली पराठे किनारे को मोड़ते हुए स्क्वायर शेप में बंद कर देंगे और धीरे से इसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। अब पराठे को ना हम गर्म तवे पर सेक लेंगे या आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम ना एक टेबलस्पून तेल पराठे की तरफ लगा देंगे। एक तरफ लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे और दूसरे साइड में भी इसे हम लगा देंगे। और इसे बढ़िया तरीके से गोल्डन कलर और क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। बाकी भी ना फटाफट से हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। वाह कितना टेस्टी दिख रहा है ना ये। तो लीजिए बनके रेडी है मुगलई पराठा। इसे दही या करी किसी के साथ में भी सर्व करके दे सकते हैं। चॉकलेट चीजी सैंडविच बनाने के लिए ना सबसे पहले हम चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप ऑप्शन में चॉकलेट सॉस का भी यूज कर सकते हैं। अब हम ब्रेड की स्लाइस पर 3 टेबलस्पून चॉकलेट के पीस को स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पर हम ऐड करेंगे कुछ बादाम, कुछ पिस्ता, थोड़ा सा काजू और थोड़ी सी किशमिश। इसे हम अच्छे से डाल देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम चीज का स्लाइस या फिर ग्रेटेड चीज भी रख सकते हैं। एक बार फिर से ऊपर हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून चॉकलेट। फिर इस पर हम ऐड करेंगे कुछ बादाम, 1 टेबलस्पून काजू, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश। अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस भी हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हल्का सा दबा देंगे। अब ना हम ब्रेड के दोनों तरफ बटर लगा देंगे और ब्रेड को गोल्डन होने तक इसे ग्रिल कर लेंगे। तो ये लीजिए बनके रेडी है हमारा जबरदस्त सा चॉकलेट चीजी सैंडविच। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है इसका। आप बच्चों को ना ये टिफिन में रख के भी दे सकते हैं। इसके खाने के बाद आपके बच्चे फैन हो जाएंगे आपके। तो लीजिए सर्विंग के लिए रेडी है जबरदस्त सा हमारा सैंडविच। फॉर नॉन वेज लवर्स हम आपको स्नैक्स टाइम में सजेस्ट करेंगे चिकन चीजी बॉल्स। एंड मेल गोज के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे बेक्ड चिकन टंगरी कबाब। इन सारे मेन्यू की रेसिपीज को आप अपने लाइकिंग के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। Hey guys, this is Surbhi from My Menu 365 and I hope you enjoyed episode 19 in collaboration with Mahi's Home Style Cooking. So guys, we've been doing this for almost 3 weeks now and I must say what an amazing journey it's been. From not having to brainstorm for hours as to what to make for lunch or dinner or what to put on the menu for a party, we have you all sorted out. So continue with us again for a brand new episode next time and fun dishes coming your way. Till then, bye guys! For week 3, day 19, Mahi made sambar vada,
फॉर ब्रेकफास्ट, गट्टे की सब्जी एज लंच, ब्रेड उपमा फॉर स्नैक्स, मुगलई पराठा फॉर डिनर एंड चॉकलेट चीज सैंडविच एज डेजर्ट।